सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा प्रोसिमुलक हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों मोदी को इस तरह पे ट्रेन करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो जा भाई जैसा हो, क्यों? वो इंडिया को बाईपास करके वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई डील नहीं करेगा, वो भी उनको यही कहेंगे कि भाई आप इंडिया से बात कर रहे हैं और ये बात चाइना जो है पाकिस्तान को समझाने की 50 साल से कोशिश कर रहा है, सारे चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, उन्होंने हर इशू और हर कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ढूंढे ऑन ईच एंड एवरी काउंट। दुबई में चले जाए उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर वन पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर के ऑर्गेनाइजेशन उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तान। क्या वजह है, मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते? बात कर रहे हैं ना, आपने कितनी बात बताई है उसकी, 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। पाकिस्तान को डायरेक्टली इंडिया के साथ विदाउट एनी डिले नेगोशिएट करना चाहिए ये सारे जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी और बॉर्डर्स इश्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब दुबई पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दुबई एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जो सऊदी के हों या दुबई के हों मोदी को इस तरह पे ट्रेन करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो जा भाई जैसा हो, क्यों? देखें इसके लिए तो आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकॉनमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th largest ग्रोइंग इकॉनमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मर्तबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इसने नफस किया है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंटरव्यू ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टेंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है, लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी, तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया। तबकी भी दी थी? तबकी नहीं दी है उसको, ऐसे किया था मतलब तबकी दी थी बस, एक मतलब एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया, वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है। जो बाकी मालिक भी चाहिए ना, मतलब देखें तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का पीएम हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत। मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होगा, जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो आईटी कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकॉनमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इस वक्त वो थर्ड पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको उनके साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है, वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं, दो दिन तीन दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं, और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप ना अब मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है, अब आप ज्यादा कर रही है, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो अवालात में बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल। उस पर ना बोले आपको कोई नहीं उठाएगा। नहीं नहीं अच्छा, मेरे ख्याल में जो है वो डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है ना हमारी वो कंट्री की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चलती आई है और डिक्टेटरशिप ही चलती रहेगी,
तो अभी जो है वो मेरी तरफ से, हम तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान देखने एक दार में कोई भी बंदा आता है कश्मीर का नारा लगा के हिंदुस्तान की बात करता है, और फिर हमारे जो मतलब जज्बाती आवाम है वो जज्बात में आके हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये दुश्मन है और था और रहेगा। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का हम कहते हैं हम मुकाबला कर सकते हैं, जज्बा में हो जाए जिस मर्जी में हो जाए हम मुकाबला कर सकते हैं। कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब वो ग्रो कर रहे और हम उसी टाइम पे खड़े? लेकिन ये अगर बात की जाए ना दोनों कंट्री की आपस में वार की, तो मेरे ख्याल में इस्लाम हमेशा गालिब आया है कुफर पे, और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा, ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। तो मेरे ख्याल में इस बात पे डिबेट नहीं बनती है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, वैसे पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो उनके सामने टिकने की नहीं है, ये हर आवाम को पता। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एटमी पावर है, ये कहते हैं हम जो है वो आइटम पावर है, लेकिन वो भी तो आइटम पावर है ना, तो उनके पास जो है वो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, वो जंग जो है 40 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं। हमारे जो माशाल्लाह से सारे जनरल वगैरह हैं उन्होंने सिर्फ 3 दिन का असला रखा हुआ है, तो वो कैसे लड़ेंगे? वो 3 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये अभी बाहर की सिचुएशन हमारी नहीं है, जब तक हमारी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ना हमारी, हम बात करने की मेरे ख्याल में सिचुएशन में नहीं है। अगर पाकिस्तान में वार होती है तो गरीब मर जाएगा, ये बेवकूफी होगी, ये कुली जो है ना वो बेवकूफी होगी, अवाम मर जाएगी बेवकूफ, ये पहले ही भूखी अवाम मर गई है, अभी वो दोबारा फिर मर जाएगी। हम देखें इस्लामिक कंट्रीज दुबई और सऊदी, वहाँ पे हम पहले दौर की बात करें सदियों पहले, तो वहाँ से बुतप्रस्ती को खत्म किया गया, वहाँ से मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ से हर चीज को खत्म किया गया। आज वहाँ पे सऊदी के अंदर सिनेमा, सऊदी के अंदर कॉन्सर्ट हो रहे हैं, दुबई के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बना के इनोग्रेशन के लिए खुद और हाँ, और दुबई के शेख खुद वहाँ पे बैठे हैं पूजा के लिए। तो सर इन चीजों को आज प्रमोट किया जा रहा है, क्यों कल तक तोड़ा जा रहा था खत्म किया जा रहा था आज प्रमोशन मिल रही है? देखिए क़यामत भी तो आनी है ना, फिर ऐसे ही आनी है ना, जब हम इस्लाम से दूर होते जाएंगे वो 30 बंदे आएंगे जिन्होंने नबी होने का दावा करना, तो ऐसे ही क़यामत आएगी। एज अ मुस्लिम मेरा तो यकीन यही है ऐसी प्रोसीजर चलता रहेगा, दज्जाल ने भी तो आना है ना, उसने भी तो आगे फिर हज़रत ईसा ने भी आना है, ऐसे ही काम जो है ना वो करीब करीब जाना है, 1400 साल तो गुजर गए। हमें हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बढ़ा लेने चाहिए क्योंकि अभी जरूरत है। अगर मेरी पर्सनल मैं एक मतलब कि ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, अगर ये अपने इंडिया के साथ अपने जो है वो ताल्लुकात सही कर लेते हैं, जैसे मेक्सिको कनाडा और अमेरिका के हैं उन्होंने आपस में बॉर्डर फ्री ट्रेड करते हैं, और मेक्सिको एक गरीब मुल्क है कनाडा और अमेरिका की निस्बत अगर बात की जाए, वो एक गरीब मुल्क है, लेकिन वो मेक्सिको भी अभी तक उसकी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि उनकी बॉर्डर फ्री ट्रेड है। अगर ये पाकिस्तान और इंडिया ऐसे बॉर्डर फ्री ट्रेड करने लग जाए तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो एशियन मुल्क है वो पूरी दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क